नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे कि इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पोर्टल पर GDS वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के समय क्या आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप पहले इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पोर्टल से मॉडल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले और आप मॉडल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 15 पर आ जाए तो आप ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इधर लिखा है NXR 5 इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स। तो इधर देखिए क्या लिखा है। नंबर वन, रजिस्ट्रेशन। ए, एप्लीकेंट विल हैव टू फास्ट रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल एट द लिंक डिटेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब कि आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करके इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और उधर पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है और बिना रजिस्ट्रेशन किए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरा देखते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका खुद का एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रहना चाहिए। मतलब कि आपका एक वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए और मोबाइल नंबर भी रहना चाहिए और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रहना कंपलसरी है। मतलब कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी वेरीफाई भी किया जाएगा। ऑल द इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफर ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट ETC वुड बी सेंड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू SMS और ईमेल ऑनली। मतलब कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं और शॉर्टलिस्टेड होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाता है या डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद अगर आपको प्रोफेशनल एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है तो वो आपको SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपका खुद का वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा। द डिपार्टमेंट विल नॉट कम्युनिकेट विथ एप्लीकेंट इन एनी अदर फॉर्म। मतलब कि डिपार्टमेंट आपके साथ और कोई उपाय में कम्युनिकेट नहीं करेगा, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल नंबर पर मैसेज एवं ईमेल आईडी पर ईमेल भेजेगा। और दोस्तों, इधर पर आप आते हैं मेन पॉइंट पे। वंस द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर एप्लीकेंट। मतलब कि आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अगर एक बार ओटीपी वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप और कोई एप्लीकेंट का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर आप खुद भी दो बार रजिस्ट्रेशन करने जाइए एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सावधानी से रजिस्ट्रेशन करें। इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाई ऑल्टरिंग द बेसिक डिटेल्स द कैंडिडेचर ऑफ सच ऑल सच रजिस्ट्रेशन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के वक्त कोई भूल हो गया हो और आप बेसिक डिटेल्स मतलब कि आपका नाम, आपका फादर का नाम या मदर का नाम चेंज करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ये अगर डिपार्टमेंट के नज़र आ जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनी एप्लीकेंट हु फॉरगॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन रिट्रीव द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू ऑप्शन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आप एक बार एप्लीकेशन कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, उधर दो ऑप्शन निकल आएगा, एक है रजिस्ट्रेशन दूसरा है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और उधर पर जाके जो जो फील्ड वो चाहते हैं वो फिलअप करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अंत में हम यही कह सकते हैं कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करें। रजिस्ट्रेशन करने के समय बहुत ही सावधानी से अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी ये सब फिलअप करें। तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही मत करिए तो इसमें क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपका अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं और आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।